आज देखिए मैं आपको एक नया रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, दही और सूजी की रेसिपी। अब पता नहीं इसका आप जो भी नाम दे दीजिए। हमने लिया है 1 kg सूजी लिया है और 1 कटोरा दही लिया है और प्याज को मैंने काट लिया है, फाइनली चॉप्ड कर लिया है, ऑनियन को भी, और कड़ी पत्ता मैंने डाला है इसमें, और 1 टेबल स्पून जीरा डाल देना है। हाफ स्पून जीरा ले लीजिए, कड़ी पत्ता, ये जो आपने ऑनियन और टमेटोज को चॉप किया था उसे भी डाल दीजिए। और देखिए अपना नमक जितना भी आपको डालना है स्वाद अनुसार ले लीजिए। सूजी 1 kg है तो कम से कम 2 चम्मच नमक डालेंगे आप। इसे अच्छे तरह से फेंट लीजिए और इसको फेंटने के बाद से कम से कम आप 3-4 घंटा रख दीजिए। अब हमारे ये 3-4 घंटे हो गए हैं, देखिए इस तरह से ये बन गया आपका बैटर। अब ये देखिए आपने ऑयल ले लिया है, ग्रीसिंग कर लीजिए। तेल आपका गर्म हो गया है, ये हमारा बैटर है, 2 स्पून इसमें डालना पड़ेगा। इसे पकने दें, हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा और यहाँ बबल्स आने लगेंगे तब इसको टर्न ओवर करेंगे। देखिए ये हमारा चीरा तैयार हो गया। इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर सॉस हो या किसी प्रकार की चटनी जो आपको पसंद है।